ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज किसी के भी घर में जाइए और खास कर जो अंग्रेजी के आधुनिक शिक्षा पद्धति को ज़्यादा विशेष मानने वाले हैं और अंग्रेजी में ही वह कहते हैं कि हमारा भविष्य है, तो यह जो अंग्रेज हैं ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है कि ना तो यह अंग्रेज ही बन पा रहे हैं और ना यह हिंदुस्तानी बन पा रहे हैं। इनकी हालत इस प्रकार हो गई है कि हमारे समाज में एक कहावत कही जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ऐसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे इन लोगों की हो गई है, क्योंकि हम कोई भी शब्द जो होता है वह शब्द जो होता है उस राष्ट्र की आत्मा से निकला हुआ होता है, वह शब्द उसकी संस्कृति का होता है, वह शब्द उसकी संस्कृति से उसकी सभ्यता से जुड़ा हुआ होता है। तो आप जब भी आप उनसे पूछिए या कहें कि यह मेरी मिसेज है, आप अपनी पत्नी को जब वह कहते हैं कि यह मेरी मिसेज है तो आपकी पत्नी भी गौरवान्वित हो जाती है कि हाँ मैं मिसिज हूँ, और पत्नी कहती है कि ये मेरे मिस्टर हैं तो पति भी गौरवान्वित हो जाता है कि हाँ मैं आज का मॉडर्न हूँ, मैं आधुनिक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, हम आगे हैं। पर कभी आपने मिस्टर और मिसिज का अर्थ जाना है कि यह शब्द कहाँ से है? यह शब्द सीधी सी बात है, सब जानते हैं कि यह अंग्रेजी कल्चर का शब्द है, अंग्रेजी सभ्यता का शब्द है, लेकिन वह मिस्टर और मिसिज क्यों कहते थे और किसे कहा जाता है, यह जानने की उन अंग्रेजों ने, हिंदुस्तानी जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों ने कभी कोशिश ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि इनकी तो एक ही सोच है कि जो अंग्रेजों ने कह दिया वही अंतिम सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। जो हमें बताया गया, जो अंग्रेजों के द्वारा से बताया गया, यही अंतिम सच है और यह सच बिल्कुल अंतिम है, इसके अलावा कुछ नहीं, चाहे उन्होंने गलत बताया है या यह सच बताया है, इस पर मंथन करें, ऐसी उनके अंदर विवेक है ही नहीं, यह विवेक तो उनका ख़त्म कर दिया गया। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस मिसेज का अर्थ क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए कि अंग्रेजी भाषा जो है दुनिया की सबसे गरीब भाषा है, यह है हर समय एक कटोरा लेकर दुनिया के अन्य भाषाओं के पास जाती रहती है और उसमें से शब्दों को अपने कटोरे में लाकर अपनी भाषा में जोड़ती रहती है। तो अंग्रेजों के अंदर एक संस्कृति है, एक संस्कृति क्या है, उस संस्कृति को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। यह लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है, अब यह भारत में भी यह संस्कृति आने लगी है, तो लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री एक साथ रह सकते हैं, उनके अंदर कोई रिश्ता नहीं है, वे एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के बिस्तर को शेयर कर सकते हैं, एक पति पत्नी की तरीके से वह शारीरिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो और यह वहाँ की आम संस्कृति है, वहाँ पर यह संस्कृति शादी बाद में आई है, वहाँ शादी नहीं होती, वहाँ पर यह संस्कृति बहुत पहले से ही प्रचलन में है। आज भी वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति है, वहाँ पर ये आम बात है कि कोई भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसमें फ़ायदे ये हैं कि आप सुबह एक के साथ हो, शाम को दूसरे के साथ हो, अगले दिन तीसरे के साथ हो। तो इन रिलेशनशिप रहने वाले जो ये रहते हैं इसमें आपस में, ये एक दूसरे को कहते हैं मिस्टर और मिसेज। मिसेज को भी जैसे हमारे, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो हमारे जो टीचर थे वो कहा करते थे इंग्लिश का, अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो उसे संधि विच्छेद कर लीजिए, अर्थात तू पाड़ो में अर्थात लगा लीजिए।
तो मिसेज का अर्थ भी तो क्या है, मिस मिस का अर्थ होता है किसी, कोई कुंवारी महिला, इसका अर्थ तो बहुत दूसरा होता है। इस मिस जो आजकल चलन में कहा जाता है कि मिस का मतलब कुंवारी महिला या भूल, तो आप और इज माने है, लेकिन यह मिस्टर और मिसेज यह शब्द दिया जाता है। अब यहाँ पे हम इससे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मिसेज का अर्थ हो जाता है रखेल। अब हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वाइफ और हस्बैंड के लिए। अंग्रेजी में एक समस्या और भी है कि अंग्रेजी के पास पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे सन है, हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे पर किसी भी भाषा में आप चले जाइए, एक शब्द के सैकड़ों सैकड़ों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे सन है, सन में अंग्रेजों को सन के अलावा, सन के स्थान पर और कोई दूसरा शब्द वह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं। हमारे में सूरज है, सूर्य है, दिनकर है, भास्कर है, कुछ भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उनके पास नहीं। मून, मून का भी, मून माने चंद्रमा, लेकिन उनके पास भी मून का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे में चंद्र है, शशि है, शेखर है, कुछ भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। ऐसे ही उनके पास हस्बैंड शब्द का भी कोई दूसरा शब्द नहीं है। हस्बैंड भी उनके पास अकेला है, वह जहाँ भी पति का संबोधित करेंगे उन्हें हस्बैंड ही कहना पड़ेगा। उसी प्रकार उनके पास पत्नी का भी कोई शब्द नहीं है, पत्नी का भी उनके पास कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह तो हम लोगों ने मान लिया है कि मिसेज जो है पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का, क्योंकि पर्यायवाची तो हमारे पास है, उनके पास तो है ही नहीं। तो पत्नी, वाइफ जो है, वाइफ इकलौता शब्द है, जहाँ वह पत्नी का संबोधन करेंगे उन्हें वाइफ लिखेंगे। लेकिन वह मिस्टर और मिसेज क्यों करते हैं, मिसेज का अर्थ होता है कि यह मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी से अलग वह महिला जो कि मेरे साथ हर प्रकार के संबंध बना सकती है और हम एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बिस्तर शेयर भी कर सकते हैं, उस महिला को मिसिज कहा जाता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में तो उसे एक रखेल जैसे शब्दों को के द्वारा से संबोधित करा जाता है। तो इंग्लैंड के कल्चर में एक व्यक्ति की 10वीं मिसिज हो सकती हैं, 20वीं मिसिज हो सकती हैं और 50वीं मिसिज हो सकती हैं। वाइफ एक है, मिसिज तो 50 हो सकती हैं। ऐसे ही इंग्लैंड की संस्कृति में किसी भी स्त्री के पति तो हस्बैंड जो है वह एक होता है, लेकिन मिस्टर 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप जब अपनी पत्नी को मिसिज कहते हो तो आप अपनी पत्नी को गाली दे रही हो। हमारी भारतीय संस्कृति में कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए, श्रीमती, और हम क्या कह रहे हैं उसे, मिसिज, मिसिज यानी कि उसे गाली दे रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में जो श्रीमती शब्द है, श्री, श्री कहा जाता है माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की शक्ति को, और मती कहा जाता है माँ सरस्वती की शक्ति को। लक्ष्मी और माँ सरस्वती सब रूपा स्त्री जो मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, भार्या है, धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, ऐसे ही सैकड़ों शब्द हैं, लेकिन उनके पास वाइफ है। पति के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं, प्राणेश्वर, पति, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उनके पास एक हस्बैंड है। तो आज से आप अगर हम अपने किसी भी रिलेशन में अगर हम उसको रिश्ता तो कह रहे हैं तो उसे पहले जान लेना चाहिए कि हम अपनी मिसिज को, अपनी पत्नी को मिसिज कह कह करके उसे कितना अपमानित कर रहे हैं। क्या वह आपकी पत्नी है, आपकी कोई, वह शादीशुदा है, आप उसके पति हैं, लेकिन आप उसे क्या कह रहे हैं कि यह मेरी रखेल है, जब आप मिसिज कहते हैं। और वह पत्नी भी जब गौरवान्वित होती है अगर वह ये जाने कि इस मिसिज का अर्थ क्या होता है, तो वह इससे प्रसन्न नहीं होगी, तन बदन में आग लग जाएगी अपमान की। तो अपनी पत्नी को मिसिज ना कह करके धर्म पत्नी कह लीजिए। तो हम जो अंग्रेजी की जो इस कल्चर में जो चल रहे हैं ना, इसमें हमें
यह नहीं पता कि यह शब्द का इतिहास क्या है, यह शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर शब्द एक उसके समाज के, जिस समाज से वह प्रकट होता है तो वह समाज के कल्चर के अनुसार प्रकट होता है। हमारे को मिसिज और मिस्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक संबंध है अटूट, जो प्राकृतिक संबंध है एक स्त्री और एक पुरुष का, यह और वह आजीवन, हम दूसरे की तरफ नहीं, वो दूसरे की कल्पना भी नहीं, और यह हमारा ये संबंध एक स्त्री एक पुरुष का प्राकृतिक है। अन्य जीव भी जो हैं, अन्य जानवर भी हैं, कीट पतंगे भी हैं, और आपने तो नाग नागिन का भी किस्सा सुना होगा कि अगर किसी नागिन के नाक को डस लो या उसे मार दो तो वह नागिन बदला जरूर लेती है। तो वह क्यों लेती है? क्योंकि उस वह से पूरे सदैव जीवन भर का संबंध स्थापित करती। ऐसे ही हम इस आप किसी स्त्री और पुरुष से जो पति पत्नी होते हैं तो वे सदैव जीवन का संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा स्थापित संबंध नहीं बनाते कि आज मेरे बिस्तर पर तुम हो, कल दूसरी हो, परसों तीसरी हो, ऐसे संबंध हमारे यहाँ चलन में नहीं आते। तो वह इन संबंधों के लिए मिस्टर और मिसेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।